साथियों, बदलाव चाहे खुद में करना हो या दुनिया में करना हो, बदलाव कभी एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में नहीं होता। बदलाव के लिए थोड़ा ही प्रयास, लेकिन थोड़ा थोड़ा निरंतर प्रयास, लगातार सस्टेन हमें हर दिन करता पड़ता है। नियमित होकर किए गए छोटे छोटे काम बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। अब जैसे कि आप अगर हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया पढ़ने का या सीखने की आदत डाल सकते हैं, इसी तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट किए जाएं। एक दिन में अगर आप देखोगे तो ये केवल 20 मिनट की ही बात होगी, लेकिन यही 20 मिनट एक साल में 120 घंटे बराबर हो जाएंगे। ये 120 घंटों का प्रयास आपके भीतर कितना बड़ा बदलाव कर देगा, ये महसूस करके आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, जब किसी टीम को बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होता है तो वो ये नहीं सोचती कि उसे टोटल कितने रन बनाने हैं। बैट्समैन ये सोचते हैं कि उसे हर ओवर में कितने रन बनाने चाहिए। यही मंत्र फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत लोग लेकर चलते हैं। हर महीने 5000 रुपया जमा करते हैं और 2 साल में 1 लाख से ज्यादा रुपये इकट्ठा कर हो जाता है। इसी तरह से सतत प्रयास, सस्टेन एफर्ट्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ड कर देते हैं, जिसका असर शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ी आपकी अमानत बन जाता है, बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जब देश भी ऐसे ही सस्टेन एफर्ट्स के साथ चलता है तो उसके भी ऐसे ही परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए। हम सफाई के बारे में केवल गांधी जयंती पर, केवल अक्टूबर में ही नहीं होते, लेकिन हम हर दिन इसके लिए प्रयास करते हैं। मैंने भी 2014 से लेकर 2019 के बीच लगभग मन की बात में हर कार्यक्रम में सफाई को लेकर लगातार देशवासियों से चर्चा की है, बातचीत की है, उनसे आग्रह भी किया है। हर बार अलग अलग मुद्दों पर बात, थोड़ी थोड़ी बात होती रही, लेकिन लाखों करोड़ लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन बन गया। सस्टेन एफर्ट्स का यही प्रभाव होता है, ऐसे ही परिणाम आते हैं।